शिक्षा विभाग में जो हमारी रिक्तियां हैं जिसके अगस्त में थर्ड फेज का रिजल्ट होना है जी, तो निश्चित रूप से हम सबों का प्रयास है। माननीय मंत्री जी बताए भी हैं पिछले दिनों कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी होगा। निश्चित रूप से अगर रिजल्ट होगा और रिजल्ट में जो भी हमारा बैकलॉग होगा जी जी, तो बैकलॉग को भी भरे जाएंगे जी, उसको लोग को खाली नहीं रखेंगे, निश्चित रूप से भरे जाएंगे। सरकारी की जितने रिक्तियां हैं वो रिक्ति भरे जाएंगे। नजर फर्जियों के ऊपर भी है और जो काउंसलिंग होगा जी, तो वह बिल्कुल ही पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग होगा, उसका जांच पड़ताल गहराई से होगी जी। और उस काउंसलिंग में तो वही छटनी होगा जी कि कौन फर्जी है कौन गलत प्रमाण पत्र है। देखिए बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को देखते हुए रिजल्ट का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में बैकलॉग सीट को भरने की मांग और इसके साथ ही रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि उनके विषय को सुना जाए सरकार के द्वारा और ऐसे में उसका निराकरण किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा से नरपतगंज विधायक जयप्रकाश यादव हैं, जुड़ेंगे बात करने। जयप्रकाश जी, इस तरीके से बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को देखते हुए रिजल्ट की खबरें आ रही, ऐसे में रिजल्ट कब तक जाए? निश्चित रूप से हमारी सरकार इसमें तत्पर है और जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा। तो सरकार तो शिक्षित बेरोजगारों के लिए और भी बेरोजगारों के लिए काम ही कर रही है। जहाँ जहाँ रिक्तियां हैं आप देख रहे हैं कि अभी हेल्थ विभाग में भी निर्देश हुआ है कि सारे रिक्तियों को भरा जाए, जल्द से जल्द भरा जाए। तो इसी तरह से शिक्षा विभाग में जो हमारी रिक्तियां हैं जिसके अगस्त में थर्ड फेज का रिजल्ट होना है जी, तो निश्चित रूप से हम सबों का प्रयास है। माननीय मंत्री जी बताए भी हैं पिछले दिनों कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी होगा। लगातार विधायक जी जो बैकलॉग सीट है उसको जोड़ने की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, क्या इस पे भी कुछ आपकी सरकार करेगी, क्या शिक्षा मंत्री कर सकते हैं? निश्चित रूप से अगर रिजल्ट होगा और रिजल्ट में जो भी हमारा बैकलॉग होगा जी जी, तो बैकलॉग को भी भरे जाएंगे जी, उसको लोग को खाली नहीं रखेंगे, निश्चित रूप से भरे जाएंगे, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। लेकिन लगातार अभ्यर्थी नाराज चल रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा? अभ्यर्थियों को कहेंगे कि आप धैर्य रखिए, आपने तो देखा है एक बार कुशासन की सरकार कैसा होता है जी, और अभी आप सुशासन की सरकार को देख रहे हैं, हर चीज अपने आप होते जा रहा है और पहल हो रहा है, जल्द शीघ्र हो रहा है, जल्दी होगा। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड फेज की बहाली को लेकर जयप्रकाश जी, काफी ज्यादा ऐसी खबरें आई जहां पर फर्जी अभ्यर्थी बहाल हो गए, फर्जी दस्तावेज पे, खासकर बाहरी राज्य के वो अभ्यर्थी थे, तो ऐसे में जांच हो रही है, काफी सारे फर्जियों को पकड़ा गया है और उनके ऊपर गाज भी गिरी है, उनसे जो वेतन लिए हैं वो भी वसूला जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से थर्ड फेज की बहाली हो रही है इसको देखते हुए क्या सरकार पूरे तरीके से ध्यान रखेगी क्या इस चीज को देखते हुए फर्जियों के ऊपर? निश्चित रूप से नजर फर्जियों के ऊपर भी है और जो काउंसलिंग होगा जी, तो वह बिल्कुल ही पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग होगा, उसका जांच पड़ताल गहराई से होगी जी। और उस काउंसलिंग में तो वही छटनी होगा जी कि कौन फर्जी है कौन गलत प्रमाण पत्र है। तो स्कूटनी इसीलिए हो रहा है, निश्चित रूप से किसी को मन में शंका पालने की कोई जरूरत नहीं है और सबका निराकरण होगा। डिवाइस रिजल्ट की जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं उनको क्या कहिएगा? नहीं, जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं रिजल्ट के लिए तो दे ही दा रहा है, रिवाइज रिजल्ट की भी मांग कर रहे हैं, जो पहले बहाली हो गई उसको रिवाइज करने की बातें कर रहे हैं, फिर से देने की बात कर रहे हैं। अब रिवाइज्ड रिजल्ट पर भी सरकार विचार कर रही है, जो विधि सम्मत निर्णय होगा, जो हित में होगा उसके अभ्यर्थियों के, जो हित में होगा वह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अभ्यर्थियों का आवाज बुलंद करेंगे जयप्रकाश यादव? निश्चित रूप से, हम तो हर वक्त विधानसभा में भी उठाते रहते हैं कि बेरोजगारी की जितने रिक्तियां हैं वो रिक्ति भरे जाए और भर ही रहा। देखिए बेरोजगार अभ्यर्थियों को देखते हुए जितनी भी रिक्तियां हैं उसको भरी जाए और सरकार भर भी रही है, ऐसे में बैकलॉग सीट को थर्ड पेज की बहाली को देखते हुए जोड़ने की जिस तरीके से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, इसके साथ ही रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की मांग और ऐसे में दस्तावेजों की जांच के साथ रिवाइज रिजल्ट की मांग कर, इसको लेकर मुखर होकर अपनी बात रख रहे थे नरपतगंज विधायक जयप्रकाश यादव और साफ कह रहे थे कि विधि सहमत जो अभ्यर्थियों की मांग है वो पूरी की जाएगी। ऐसे में जयप्रकाश यादव
अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद करेंगे और ऐसे में एनडीए सरकार जो है वो तत्पर है अभ्यर्थियों को देखते हुए। शिक्षा मंत्री के पास भी मामला संज्ञान में है और ऐसे में जिस तरीके से मामला शिक्षा मंत्री के पास गया है इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की तमाम मांगों को पूरी की जाएगी। फिलहाल जयप्रकाश यादव को आप सुन लेते हैं और भी तमाम खबरों के लिए बरड़े हमारे साथ कैमरे छोड़ने से योगी विकास बहुत बहुत धन्यवाद।